बड़ी तुमको बड़ी बस हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और मैं तैयार हो गई हूँ। आज है संतान सप्तमी व्रत की पूजा, तो मंदिर में जाके पूजा करना है, तो मैं तैयार हूँ मंदिर जाने के लिए। और अभी प्रसाद बनाना है, प्रसाद बना लूँगी, इसके बाद जाऊँगी मंदिर। तो बस इसमें बनाते हैं गुड़ की पूड़ी, मतलब गुड़ को गला देते हैं और उसके जूस से आटा गूंथते हैं। तो मैंने आटा गूंथ लिया है, तो मैंने सोचा चलो यहीं से ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। और सुबह से इतना काम था कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब पूरी साफ सफाई करने के बाद और इन लोगों के लिए खाना बनाया, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, सबके लिए खाना बना बना के, और दोबारा से गैस पोछ के और फिर से कपड़े वगैरह चेंज कर ली। तो मैंने सोचा चलो अब मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि सुबह तो बस वही झाड़ू पोछा, बर्तन, चावल दाल बनाई, तो जो भी किस कुछ की, मैंने सोचा उसका सबका क्या ब्लॉग बनाना। और अब मैं व्रत का अपने बना रही हूँ पूजा करने के लिए और खाने के लिए, तो मैंने सोचा चलो अब यहीं से ब्लॉग भी स्टार्ट कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं बना लेती हूँ प्रसाद। इसमें 7 पूरी पूजा करने के लिए बनाना होता है और 7 पूरी अपने खाने के लिए बनाना होता है। तो मैं 7 पूरी बना के और उसको केले के पत्ते में बांध के और भोग के लिए ले जाऊंगी मंदिर। मंदिर में है पूजा, और 7 छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाऊंगी जिसको मतलब ख़त्म कर सकूँ। ये रहता है कि उस पूड़ी को मतलब खुद खाना होता है, किसी और को नहीं देना होता है। तो देखती हूँ, वैसे मैं जब मम्मी के यहाँ थी और नहीं खा पाती थी, तो फिर भाभी लोग बोलती थी कि गाय को खिला दो। तो मतलब जैसे 2-3-4 जितनी भी खबी, व्रत में तो खबता ही नहीं है खाना। वैसे तो चलो ठीक है, कुछ ज़्यादा कम हो जाएगा, लेकिन व्रत में पता नहीं क्यों खबता ही नहीं है। तो अगर बच जाती है तो फिर गाय को खिला देते हैं। तो चलिए मैं बना लेती हूँ प्रसाद। इसमें गुड़ की पूड़ी बनती है और दही के साथ खा सकते हैं, सब्जी के साथ नहीं। दही ला दिए हैं, ये दही के साथ खा लेंगे। और देखिए मैं फ्राई पैन में बना रही हूँ, तल रही हूँ पूड़ी। कल मैंने ना इसमें भजिए बनाए और सुबह आना की टिफिन के लिए गुलगुले बनाए, तो इतने अच्छे से बन गए थे, तो मैंने सोचा चलो पूड़ी भी बना लेती हूँ इसी में। क्या हुआ? मेरा सिक्का इधर गई, तो घुमा दिया घर में। तो किसने घुमा दिया? हम दूसरा दे देंगे आपको, ले तो हो। अरे ये तो फ्रेंड्स ये पूजा की सामग्री है और बहुत सब कुछ और बहुत कुछ इसमें है। ये इसमें बहुत सारे कटोरियां हैं, तो इसमें है भैया सभी एकदम रिलैक्स हो जाओ। हम क्या बोल रहे हैं उस चीज पे ध्यान दोगे तो पूजा है, बीच में बोलेंगे सब तो कुछ नहीं होगा। फूल दुआ बेल पत्र चढ़ा दो। ठीक, अगरबत्ती लगाएंगे या भगवान के लिए। तो गाइज बस संतान सप्तमी की पूजा हो गई और अब पंडित जी को दक्षिणा देने का टाइम आ गया है। तो पंडित जी को दक्षिणा में नारियल, फल और जितना हो सके आपको जितना मतलब दान देना चाहते हैं पंडित जी को, तो वो उतने रुपए रख कर देते हैं। और पंडित जी जो आप चांदी का रिंग या कड़े जो भी बनवा के रखे हैं, तो वो पंडित जी अपने हाथों से पहनाते हैं। और जो सात संतान सप्तमी के 7 गांठों वाला धागा होता है, तो वो भी पंडित जी बांधते हैं। तो वही मैं यहाँ पे पंडित जी को दक्षिणा दी थी और धागे बधवा रही हूँ। हो जाओ।
तो फ्रेंड्स संतान सप्तमी की पूजा हो गई और अब यहाँ पे प्रसाद और सुहाग बांटने का चल रहा है। सब मतलब जो गौरा मैया का सुहाग होता है, जो गौरा मैया को चढ़ाते हैं ना, फिर उसका लेके और उसका पूरा श्रृंगार करते हैं, तो वही चल रहा है सब। दो दो चूड़ियाँ, सिंदूर, बिंदी, वही सब चल रहा है। सब एक दूसरे से सुहाग बांट रही है, सबको टीका और सिंदूर लगा रही है। पूजा हो गई है, घर जाएंगे और व्रत खोलेंगे। इसमें ऐसा होता है, पूजा ही मेन होती है। तो पूजा हो गई है और पूजा मतलब अभी टाइम हो रहे हैं 3:30 बज गए, मतलब 3:29 है। तो पूजा संपन्न हो गई और अभी घर जाएंगे और फिर प्रसाद बनाएंगे। प्रसाद वही घर की पूड़ी खाते हैं, तो घर में जाके और फिर गर्म बनाएंगे, फिर खाएंगे दही और पूड़ी। इसमें जो पानी है तो क्यारी में डाल दो ना। नहीं नहीं गिर जाएगा, गिर तो फ्रेंड्स हम लोग जा रहे हैं, जा रहे हैं गौरा पार्वती जी शंकर जी को विसर्जन करने, गणेश जी को। तो संतान सप्तमी की पूजा हो गई, अब सब लोग मिलके जाएंगे उनको विसर्जन करने, ठंडा करने। चलिए दिखाते हैं कहाँ ठंडा करेंगे, बहुत अच्छा व्यू लगेगा। तो फ्रेंड्स चलिए अब विसर्जन करने का टाइम आ गया है, तो शंकर जी, पार्वती और गणेश जी का विसर्जन करने चलते हैं। तो पचमढ़ी में दो तीन तरफ कभी कहीं भी विसर्जन करने चले जाते हैं, बड़ी बड़ी झील, नदियाँ, सभी कुछ है। तो मतलब जिसमें देखती हूँ, जिसमें तीजा व्रत का विसर्जन करने गए थे वो थोड़ा नजदीक पड़ता है, तो हो सकेगा तो उसी में चलेंगे। तो जितना भी पूजा पाठ की सामग्री रहती है, शंकर जी रहते हैं तो फिर सभी का विसर्जन करना होता है, ठंडा करना होता है। तो सब लोग चल दिए हैं, चलिए दिखाती हूँ किस तरह से विसर्जन किया जाता है। अब जल गई फेंकने की तो है, हर हर महादेव। ओ बैठ गए वो तो तो फ्रेंड्स मैं मंदिर से पूजा करके आ गई और अब बनाऊंगी चाय। आज सुबह से मैंने चाय नहीं पिया, इतना ज्यादा सर दुख रहा है कि क्या ही बोलूं। क्योंकि हम लोगों के यहाँ ना मतलब मैं ऐसा करती हूँ, सब तो पी लेते हैं, मतलब मंदिर में मेरी बात हुई लोगों से तो सब लोग कह रहे थे कि चाय पी ली है, बट मैं भाभी लोगों के साथ पूजा करती थी तो जब तक पूजा नहीं कर लेती थी संतान सप्तमी की, तब तक चाय नहीं पीती थी। तो अब पूजा हो गई है तो अब मैं बनाऊंगी चाय, और मैं व्रत रहती हूँ तो मेरा सर बहुत दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है। शक्कर का डिब्बा धुल दी हूँ तो अभी सूखा ही नहीं है। पता नहीं रखा भी कहाँ है शक्कर का डिब्बा, इतना जल्दी जल्दी वो ऐसे चिपकने लगता है ना, कि मतलब एक बार के खत्म हुई नहीं और शक्कर का डिब्बा चिपकने लगता है। इस बार इसमें भर दे रही हूँ।
फ्रेंड्स बस चाय बन गई है तो चाय पीऊंगी और इसके बाद खाना तो अभी नहीं खाऊंगी, खाना तो रात में ही खाऊंगी क्योंकि अब हो गया, टाइम भी हो गया, विसर्जन के लिए गए, पूजा किए, विसर्जन के लिए गए तो 5 बज गए हैं तो फिर अब इतनी टाइम खाना खाना अच्छा भी नहीं लग रहा है। तो अभी आ जाएंगे जब भी खाना खाऊंगी, फोन करके वैसे तो मैं बुला ली हूँ चाय पीने के लिए, पर वो अभी खाना नहीं खाएंगे, वो तो वही 7-8 बजे खाना खाएंगे जब मैं भी खाना खाऊंगी। तो बस अब आ जाइए, आप लोग भी चाय पी लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा और जो लोग चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं न्यू व्लॉग में, बाय बाय। चाय तो बस बन ही रही है।